सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है अक्सर यह सवाल क्लाइंट्स की तरफ से पूछा जाता है इस पैमाने को नापने का कोई एक्यूरेट जवाब नहीं है बट फिर भी हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस को बेसिकली तीन मेजर क्राइटेरिया से चेक कर सकते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और उसमें से कितने क्लेम्स कंपनी ने अप्रूव किए यानी कि सपोज करिए कंपनी के पास सौ क्लेम आए सौ में से 92, टू 94 थ्री फोर या 95 फाइव कितने नंबर्स ऑफ क्लेम कंपनी ने अप्रूव कर दिए दूसरा होता है अमाउंट के बेसिस पर यानी कि क्लेम अमाउंट के बेसिस पर इसका मतलब ये होता है कि सौ रुपए के क्लेम आए और सौ रुपए में से पिचानवे छियानवे सत्तानवे या अट्ठानवे कितने रुपए के क्लेम कंपनी ने पास कर दिए कई बार कंपनीज अपने क्लेम रेशो को अच्छा शो करने के लिए नंबर्स बेसिस पर जो छोटे छोटे क्लेम है उनको तो पास कर देती हैं बट बड़े क्लेम्स को पास करने में दिक्कत महसूस होती है जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि आई की साइड से भी मैंडेटरी है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को मेंटेन रखना और वो है सोल्वेंसी रेशो का तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सोल्वेंसी रेशो होता क्या है तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अपना सॉल्वेंसी रेशो 1.5 परसेंट यानी कि डेढ़ सौ परसेंट का रखना होता है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने भी टोटल क्लाइंट्स हैं सपोज कीजिए कोई भी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आई कि सभी के क्लेम आ गए तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा फाइनेंशियली कि वो सबको क्लेम पे कर दे लेकिन उसके बाद भी उसकी असेट्स जो हैं, वो फिफ्टी परसेंट ज्यादा हो ये मिनिमम क्राइटेरिया आई की तरफ से मिनिमम फाइव वन पॉइंट फाइव परसेंट मेंटेन करना जरूरी होता है या इसको हम 150 परसेंट भी कह सकते हैं सो so, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्वेंसी रेशो ऑफ जनरल हेल्थ एंड री इंश्योरेंस कंपनी दो सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एल एल सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सोल्वेंसी रेशो की यहां पर हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनीज की 2021 और 22 का डेटा हमें रिसीव हुआ है सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं सो so, ये हमने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो so, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जून का डेटा अवेलेबल है यानी कि अप्रैल मई जून का डेटा है 2021 का फिर जुलाई अगस्त सितंबर 2021 तक का डेटा है फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 का डेटा है और हम जो आज डिस्कस करेंगे वो टोटल फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे मार्च 2022 तक की तो सबसे पहले हम बात करते हैं एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड इनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो है वन पॉइंट सिक्स एट पर परसेंट का मार्च 2022 तक का देन हम बात करते हैं बजाज रिलंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो है थ्री पॉइंट फोर फोर परसेंट का देन हम बात करते हैं भारतीय अक्षर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तो यहां पर डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि भारतीय अक्षर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मर्जर हो चुका है आईसीआईसीआई सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर देन हम बात करते हैं चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो है 1.95% फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो रेशो है, वो है का. Future India Insurance Company Limited, इनका पॉइंट सिक्स है परसेंट का गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड इनका जो सॉल्वेंसी रेशो है वो है 2.01% परसेंट का एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस परसेंट आई सी आई सी आई लॉम्बारेंट एट परसेंट कोटेक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू पॉइंट Megma HDI General Insurance Company Limited 1.76%, Navi General Insurance Limited 1.91%, Raheja QBE General Insurance Company Limited 2.22%, Reliance General Insurance Company Limited 1.66%. रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू पॉइंट वन जीरो परसेंट एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वन पॉइंट एट फाइव परसेंट श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फोर पॉइंट सिक्स टू परसेंट टाटा ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो सोल्वेंसी रेशो है मार्च 2022 तक का वो है 1.92 परसेंट अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस की जो पब्लिक सेक्टर में जो चार कंपनीज आती हैं उनकी बात करते हैं तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो सोल्वेंसी रेशो है मार्च 2022 तक का वो है 1.09 परसेंट द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड परसेंट देंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का है 1.03 पॉइंट जीरो थ्री परसेंट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड परसेंट देन हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स की तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनका जो सॉल्वेंसी रेशो है मार्च 2022 तक का वो है 2.45 परसेंट देन बात करते हैं ईसीजीसी लिमिटेड की 30.05 परसेंट का अब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की तो सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है Uh, 2021-2022 का वो है 1.77 देन केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड दो हजार अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये है यहां पर अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि एच डी एफ सी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पहले अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मर्ज हुआ था एच डी एफ सी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में और फिर एच डी एफ सी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मर्ज हो गया था एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में देन हम बात करते हैं मनीपल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो रेशियो है वो है वन पॉइंट सिक्स एट परसेंट नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वन पॉइंट सेवन टू परसेंट रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड का डेटा यहाँ पर अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड का मर्जर हो गया था रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर देन हम बात करते हैं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है मार्च 2022 तक का वो है 1.67 परसेंट और री इंश्योरर की अगर बात करें तो इसके अंदर नाम आता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इनका जो सोल्वेंसी रेशो है वो है 1.96 परसेंट सो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी कोशिश थी कंपनी के सोल्वेंसी रेशो के बारे में आप लोगों को अपडेट करने की होप आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या फीडबैक हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और एजेंट्स पर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स अगर आप लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर पर हमारी टीम से कॉर्डिनेट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू